दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर पांव रखते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। अंदर का नज़ारा इतना भयानक होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के ऊपर वैज्ञानिकों ने कई बार शोध किए कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जहाँ भूत प्रेत से ग्रसित लोग आते ही बिल्कुल ठीक होकर घर वापस जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मनोचिकित्सा विभाग यानी कि साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाले लोगों पर शोध किया और उनके नतीजे ऐसे थे जिसे देखकर डॉक्टर की पूरी टीम आश्चर्यचकित हो गए। आखिर क्या है मेहंदीपुर बालाजी में खास? आखिर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के ऊपर वैज्ञानिक इतना शोध क्यों करते हैं? आखिर डॉक्टर की टीम को मेहंदीपुर बालाजी के मरीजों में ऐसा क्या दिखा जिसे देखकर सभी हैरान हो गए? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ कलियुग के देवता श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में हनुमान जी, प्रेतरा सरकार और भैरव बाबा को मिलाकर तीनों देवताओं की प्रतिमा है। यहाँ तीनों देवताओं के अलग अलग प्रकार के प्रसाद हैं और उनकी पूजा अर्चना भी भिन्न तरीके से की जाती है। इस मंदिर के बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ के विचित्र नज़ारे, रहस्यमय गाथाएं सुनकर और देखकर आप परेशान हो जाएंगे। आज के आधुनिक समय में लोग विज्ञान पर भरोसा रखते हैं, भूत पिशाच प्रेत को नहीं मानते। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में दूर दराज से लोग भूत पिशाच की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। अमूमन आस्था के प्रत्येक मंदिरों में लोग पूजा अर्चना के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। परंतु उस रहस्यमय मंदिर में ऐसी नियमावली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ना तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप इसे घर भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि इस मंदिर के दरबार से कोई सुगंधित वस्तु या प्रसाद के अलावा अन्य खाने पीने की चीज़ भी आप घर नहीं ले जा सकते। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते, प्रसाद या अन्य वस्तुओं को घर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत का साया मंडराने लगता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास करीबन 1000 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को स्वयंभू प्रतिमा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अरावाली पहाड़ियों के बीच हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जी के साथ ही दो और प्रतिमाएँ मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के एक प्राचीन महंत ने अपने सपने में यहाँ तीन देवताओं की प्रतिमा को देखा था, जिसे मंदिर निर्माण से जोड़कर देखा गया और इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और यह हनुमान जी की सहित तीनों देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में लोगों का ये कहना है कि इस मंदिर में जाने के बाद व्यक्ति को एक अलग अनुभूति होती है। मंदिर जिस क्षेत्र में बना है वहाँ का वातावरण गर्म है, बावजूद इसके लोगों को यहाँ ठंडक का एहसास होता है। साथ ही इस मंदिर की एक और खासियत ये है कि इस मंदिर में साल के किसी भी दिन दर्शन के लिए जाने पर यहाँ भीड़ की कमी नहीं होती। हर दिन यहाँ भक्तों की कतार दर्शन के लिए लगी रहती है। जैसे अन्य मंदिरों से आरती और घंटियों की आवाज़ आती है, इस मंदिर से उनसे उलट औरतों और आदमियों के तेज चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जो पहली बार मंदिर पहुँचने वाले लोगों को भी डरा देती है। इस मंदिर का माहौल देश के अन्य मंदिरों से बिल्कुल जुदा होता है, इसीलिए कमजोर दिल वाले लोगों को इस मंदिर में ना आने की सलाह दी जाती है। मंदिर परिसर में चार चैम्बर बने हैं, जिनमें पहले दो चैम्बर में हनुमान जी और भैरव बाबा की प्रतिमाएं मौजूद है। मंदिर के आखिरी कक्ष में जिन लोगों पर प्रेतों का साया होता है, उन पर धार्मिक क्रियाएं की जाती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के भगवान हनुमान जी की प्रतिमा में बाईं ओर एक छेद है, यहाँ से हमेशा एक गोले कतार में जल की तेज प्रवाह निकलती रहती है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये बालाजी का पसीना है। यहाँ प्रसाद के रूप में बालाजी को लड्डू, प्रेतरा सरकार के चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जिन व्यक्तियों पर ऊपरी साया मंडराता रहता है, जिन पर प्रेतों की मायावी शक्ति हावी रहती है, ऐसे व्यक्तियों को जैसे ही इन प्रसादों को खिलाया जाता है,
वो लोग अजीबोगरीब तरह की हरकत करने लगते हैं। महेंद्रपुर बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले सभी यात्री के लिए ये नियम है कि कम से कम एक सप्ताह के लिए लहसुन, प्याज, शराब, अंडा, मांस का आप सेवन नहीं कर सकते। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में हनुमान जी को भगवान श्री राम का परम भक्त बताया गया है और यही कारण है कि हनुमान मंदिर के पास राम सीता के मंदिर को भी बनाया जाता है। बालाजी मंदिर के ठीक सामने श्री राम सीता की प्रतिमा है। बालाजी मंदिर की मान्यता है कि भगवान श्री राम सीता की प्रतिमा का दर्शन बालाजी मंदिर में आए भक्तों यात्रियों को करते रहना चाहिए। अमूमन यहाँ के प्रसाद अन्य मंदिरों से भिन्न होते हैं। यहाँ प्रसाद को दरख्वास्त और अर्जी दोनों श्रेणियों में बांटा गया है। दरख्वास्त को बालाजी धाम में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को दो बार खरीदना होता है और अर्जी में तीन थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दो बार हाजिरी लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं। इस प्रसाद को अपने हाथों से पीछे की ओर फेंकना होता है। नियम के अनुसार इस प्रसाद को फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। बालाजी मंदिर दरबार में तीनों देवता हनुमान जी, प्रेतरा सरकार और भैरव बाबा की प्रतिमाएं हैं। भैरव बाबा यानी कोतवाल कप्तान की मूर्तियां हैं। यहां पर हर रोज 2 बजे प्रेतराज दरबार में पेशी होता है। दूर दराज से आए लोगों के ऊपर भूत प्रेत की साया को यहीं पर दूर किया जाता है। इस मंदिर पर दूर दराज से कई यात्री आते हैं और यहाँ उन्हें भूत, पिशाच, प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस मंदिर के अंदर अजनबियों से बात करने और उन्हें छूने पर मनाही है। मंदिर के अंदर कुछ खाने पीने पर भी रोक है। मंदिर से वापस जाते समय कोई भी प्रसाद या अन्य सामग्री साथ ले जाना मना है। मंदिर से जाते समय पीछे मुड़कर देखने पर भी सख्त पाबंदी है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को जब इस बात का पता चला कि मानसिक तौर से ग्रसित लोग यहाँ आते ही ठीक हो जाते हैं, तो उन लोगों ने इस मंदिर पर शोध किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कैसे होता है। डॉक्टरों की टीम ने महेंद्रपुर बालाजी मंदिर के कुछ मरीजों पर शोध किया। वे ऐसे मरीज थे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार ठीक नहीं हो सकते थे, परंतु जैसे ही वे सारे मरीज महेंद्रपुर बालाजी मंदिर में आए, वे सभी अचानक ठीक हो गए। डॉक्टरों ने जब इन पर शोध किया तो देखा कि यहाँ ये लोग बहुत ही रहस्यमय तरीके से ठीक हो गए, परंतु कैसे ठीक हुए ये रहस्य डॉक्टर और विज्ञान के लिए आज भी एक शोध का विषय है। कुल मिलाकर कहा गया कि आधुनिक विज्ञान चिकित्सा पद्धति भी महेंद्रपुर बालाजी मंदिर से हार गई। दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा इंसान जो मानसिक रोग से ग्रसित है या उसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और जिसका इलाज मेडिकल द्वारा ठीक नहीं हो पा रहा, तो उनको महेंद्रपुर बालाजी के दरबार एक बार जरूर आना चाहिए। बालाजी महाराज सबकी पुकार सुनते हैं। महेंद्रपुर बालाजी मंदिर तक आने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।